असलकम डियर स्टूडेंट्स वे आर लर्निंग हिस्ट्री ऑफ क्लास टेंथ चैप्टर फाइव दैट इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवल्यूशन बहुत सारे जो मुबारक है उनने प्रिंट कल्चर को जोड़ा है फ्रेंच रिवल्यूशन से कहने का मकसद ये है कि प्रिंट कल्चर से जो फ्रेंच सोलूशन है एक काफ़ी हद तक मुतासर हुआ और तीन आर्गमेंट्स तीन दलाइल दिए जाते हैं इस चीज़ के सपोर्ट में नंबर वन जो प्रिंट कल्चर है इसने मकबूल किया इसने पॉपुलराइज किया जो इलाइटमेंट थिंकर्स थे उनके ख़्यालत को उनके आइडियाज़ को और हम देखते हैं मजमू तौर पर जो उनकी राइटिंगस थी वो थामस पैन हो वोल्टायर हो जीन जैकेट रूसो हो तो वो एक क्रिटिकल कमेंट उनने प्रोवाइड की जो तनकीदी आरा उन प्रोवाइड की जो ट्रेडिशन को लेकर रिवायात को लेकर सुपरस्टिशंस को लेकर जो अब अवाम अब परस्ती होती है और डपॉटम जो शख्सी सल्तन थी तो उनके खिलाफ एक तनकीदी आरा प्रोवाइड की इन थिकरस ने और ये इन थिकर्स का कहना था कि देर शुड भी रूल ऑफ रीज़न रीज़न का ही बोल बाला होना चाहिए रदर दैन कस्टमर जो हमारे पास रिवाज हैं कस्टमर्ज हैं उनका बोल बाला नहीं होना चाहिए बल्कि रीज़न का बोल बाला होना चाहिए और ये डिमांड करते थे कि हर किसी चीज़ को हम जज करें अपने रीज़न के साथ अपनी रेशनैलिटी के साथ हमें काज और अफेक्ट को देखना पड़ेगा वर एट इज़ रॉन्ग और राइट थ्रू प्रॉपर रीजनिंग थ्रो थ्रू यूजिंग रेशनैलिटी थ्रू यूजिंग लॉजिक और ये अटैक करते थे जो हमारे पास सेक्रेट टेक्स्ट थे जो सेक्रेट अथॉर्टी थी चर्च की उसको अटैक करते थे और जो डिस्पॉटिक पावर था जो आमरी हुकूमत थी उस चीज को भी ये अटैक करता था जो शख्सी सल्तनत थी डिस्पॉटिक पावर था रियासत का जो जाबियर थे ज़ालिम थे तो उनको भी ये अटैक करते थे और ये चाहते थे कि उनकी लिजटमेसी जो उन उनमें एक्सेप्टेंस है समाज में वो घट जाए वो इरोड हो जाए फाइन और जो इस पर जो सोशल आर्डर है वो बिखर जाए वो वो सोशल आर्डर ना रहे इन चीज़ों की राइटिंग्स जो जिनकी राइटिंग्स ज़्यादा मकबूल रही वो थे वोल्टेर एंड रूसो इनकी राइटिंग ज़्यादा मकबूल रही आम लोगों में और इनकी जो किताबें थी बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे वो अब अपनी नई सोच के साथ नई आँखों से चीज़ों को देखते थे जो सवाल पैदा करते थे जो जो हर चीज़ को सवाल निशान से देखते थे लोगों की चीज़ों की तनकीद करते थे और वो रेशनल भी थे इट मीन्स दे वर क्वेश्चनिंग एवरी थिंग दे वर क्रिटिकल एंड दे वर रैशनल एज वेल दिकेंड पॉइंट विच इज़ नॉर्मली इन सपोर्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट प्रिंट रोल्यूशन इम्पैक्ट फ्रेंच रोल्यूशन दैट इज़ कि प्रिंट ने एक नया कल्चर uh, पैदा किया बहस भसव का डायलॉग एंड डिबेट का जो हमारी क़द्रें हैं वैल्यूज़ हैं या हमारे जो नॉर्म्स हैं तौर तरीके हैं जो हमारे इदारे हैं इंस्टीट्यूशनस हैं उनको असर नो अप्राइजल की ज़रूरत है वी नीड टू री अप्राइज़ दैम उनको असर नो इवालवेट करने की ज़रूरत है उनको जाँचने की ज़रूरत है और उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है पब्लिक स्त पर और लोगों में बेदारी पैदा होनी चाहिए उनमें रीज़न आना चाहिए पावर ऑफ रीज़न और ये करें उनकी ज़रूरत क्या है और वो क्वेश्चन करें जो उनकी जो इस जो अपने ख़्यालत हैं उनके जो बिलीफ सिस्टम है उनको क्वेश्चन करें और इसी पब्लिक कल्चर में नए नए ख़्याल एक सोशल रिवलूशन वजूद में आया एक समाजी इनकलाब बपा हुआ जो थर्ड पॉइंट जो इसके मतलक है जो सपोर्ट करता है कि फ्रेंच रिवलूशन में प्रिंट कल्चर का रोल था दैट इज़ कि हम देखते हैं सेवन एटीज़ में कसरत के साथ जो लिटरेचर है वो मजाक उड़ाता था रॉयल्टी का जो बादशाही निज़ाम था जो बादशाही कदरें थी मॉरल मॉरल्टी इखला कदरें जो जो इस बादशाह की थी उसको क्रिटिसाइज करते थे और इस प्रोसेस में वो क्वेश्चन करते थे जो मौजूदा जो समाजी निज़ाम है उसको वो क्वेश्चन करते थे सवाल उठाते थे हम देखते कि कार्टून बनाए जाते थे जो हमारे पास कैरिकेचर्स होते थे गुस्ताखाना खा के बनाए जाते थे जो मोनार्की को अटैक करते थे जो अपने सेंसुअल प्लेजर्स में मसरूफ़ थे और इस तरह से लोगों की जो सफरिंग थी उनको उजागर किया जाता था जो बहुत ज़्यादा वो सकर, सफर सफ़र करते थे बहुत ज़्यादा उनको मशक्कत करनी पड़ती थी उनको हार्डशिप फेस करते थे उन चीज़ों को थ्रू कार्टून दिखाते थे और जो लिटरेचर है ये सर्कुलेट हुआ अंडरग्राउंड भी और एक होस्टाइल सेंटिमेंट पैदा हुआ मोनार्क के खिलाफ इस तरह से आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं ये तीन आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं कि जो फ्रेंच रिवलूशन है उसमें प्रिंट कल्चर का भी अहम रोल था इतना ही नहीं कि आइडियाज़ जो है वो फैल गए साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो उस वक्त का लिटरेचर था वो एक तरह का नहीं था जैसे हम बात करते हैं वोल की या रूसो की इसके साथ साथ जो मोनार की थी जो चर्च था उनका भी अपना प्रपागंडा चलता था वो भी अपनी जो उनका अपना नसर था वो अपने ख्याल को आगे पहुँचाते थे और जो लोग थे वो सिर्फ़ उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते थे जो वो कंज्यूम करते थे वो चीज़ जो चीज़ें उनको ठीक लगती उनको एक्सेप्ट करते थे और जो गलत लगती उनको रिजेक्ट करते थे जो ठीक था उनको एक्सेप्ट करना और जो गलत था उनको रद्द करना वो लोगों का काम था और वो सारे किस्म के लेटर्स को देखते थे और वो चीज़ों को अपने तरीके से लेते थे जो लोग होते हैं और प्रिंटर ने आ, हम कह सकते हैं इसने डायरेक्टली तो शेप नहीं किया उनके माइंड्स को लेकिन उनके पॉसिबिलिटी कि वो सोचने पर मजबूर हो गए चीज़ों को उन चीज़ों को लेकर मुख्तफ़ चीज़ों को लेकर वो आप सोचने लगे फाइन तो इस तरह से देखते हम के प्रिंट ने जो फ्रेंच रूल्स ने उसको इम्पेक्ट किया यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो एक, एक, प्रिंट है एटीन सेंचुरी का लेट एटीन सेंचुरी का इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो पीजेंट्स हैं जो हमारे पास आ, कारीगर हैं जो काम करने वाले हैं वो किस तरह से सप्रेस किए गए हैं दे आर देव ऑप्रेस्ड ओप्रेसड उनको दबाया गया है वो जो नोबल्टी है वो इन्जॉय करती है अपनी ज़िंदगी को सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रंट कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच रिवल्यूशन थैंक यू वेरी मच